मैं रोशन पांडे राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष वाराणसी से कल जिला अदालत के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला आया ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदुओं को दिया गया इसी फैसले के मद्देनजर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के द्वारा मैंने ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ जो बोर्ड था वो मस्जिद की पाट को ढककर मंदिर लिखा हुआ स्टिकर लगा दिया तो वाराणसी के जिला प्रशासन द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है मुझे मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है मुझे आप बताएं मैंने केवल इतना ही कहा तो जब कोर्ट ने आदेश दे दिया और ये मंदिर है पूजा का अधिकार मिल गया तो फिर वहाँ मस्जिद लिखा हुआ बोर्ड की क्या आवश्यकता है। अरे मुख्यमंत्री दूसरी बात हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना विवादास्पद होगा। तीसरी बात एएसआई की जांच रिपोर्ट आई और ये दुनिया जानती है उसके बाद कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया फिर वहाँ मस्जिद बोर्ड लिखे की क्या जरूरत है। काशी आने वाले सभी श्रद्धालु उस बोर्ड को देखकर भ्रमित होते थे उनकी आस्था का भेद पहुंचता था इसलिए राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के द्वारा उसको खुद स्वयं बोर्ड को मंदिर कर दिया गया। इससे पहले मैंने योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भेजकर भी इस बोर्ड को हटाने की मांग किया था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय को भी पत्र और ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की जा रही थी लगातार मांग की जा रही थी कि आप इस बोर्ड को हटाएं पर्यटकों के बीच ये भ्रम उत्पन्न कर रहा है बोर्ड इसको हटाएं। नहीं हटाने के बाद और कोर्ट के फैसला के बाद संगठन ने स्वयं इस बोर्ड को वहाँ पे मंदिर करने का कार्य किया है तो ऐसे में मैंने कौन सा कानूनी अपराध कर दिया जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान में लीजिए आपसे हमारी मांग है आप तत्काल संज्ञान में लीजिए इस मामले को और इस प्रकार से अगर हमारी हिंदू सरकार में हम हिंदुओं का उत्पीड़न होता है तो यह बहुत गलत बात है ऐसा नहीं हम आपसे उम्मीद रखते हैं। जय श्री राम हर हर महादेव। सेकेंड फेब्रुवरी वाराणसी लंका पुलिस लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट आर राष्ट्रीय हिंदू दल प्रेसिडेंट रोहन पांडे फॉर पेस्टिंग पोस्टर्स एंड सर्कुलेटिंग मीडिया सोशल मीडिया दैट कॉसेस रिलीजियस आउटरीच फीलिंग्स नोटेबली पांडे अ रेसिडेंट ऑफ गंगोत्री विहार कॉलोनी इन द सामने घाट एरिया अफिक्स अ स्टिकर विद मंदिर रिटन ओवर इट ओवर साइन बोर्ड्स डिस्प्लेइंग ज्ञानवापी मस्जिद टू take the final reading as Gyanwapi Mandir both in English and Hindi. He did it soon after the Varanasi district court allowed Hindus to perform puja inside Vyas cellar in the Gyanwapi mosque structure. As per the Times of Now reporting, Pandey hails from the Gaya district of Bihar and is a state secretary of the Hindu Samaj Party. He was booked under section 153A, 505(2) and 295A. In the video released before the case was filed, Rohan Pandey said that after the Varanasi district court allowed Hindu puja in the Gyanwapi basement, now it's a temple, and he had covered the masjid sign with a sticker saying Mandir. He said after the court order, what he did was right. He noted that CM Yogi Adityanath had also said calling Gyanwapi a mosque is wrong, and a recently published ASI report also said the same that a mosque was constructed after demolition of a temple. He added that the signage was causing confusion among devotees visiting Kashi, therefore he changed the signboard. Rohan Pandey has been appealing to the administration to change the board, had returned to the CM and Tourism Department in the state. After the application was rejected, he and his organization, Rashtriya Hindu Dal, did it. But it was really stupid. It was just a publicity stunt. Should wait for the court. The court will decide on the matter very soon. Maybe it'll take 1 year, 2 years after the appeals or not. But eventually what is right will be restored. And if it is rejected, you should also accept it. But very, very bad.